हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल। माई सेल्फ परमेश्वर सिंह। क्लास, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड एक्सरसाइज आंसर्स ऑफ लेसन 9 एंड लेसन नेम इज इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल 5। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, इज अ पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट विथ स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लिंकिंग टू अदर डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस। मीन्स एक पीस ऑफ ऑर्डिनरी टेक्स्ट जिसमें अन्य डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस से लिंक होने की कैपेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यूज टू व्यू द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वेब ब्राउजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एचटीएमएल 5 द फीचर हेल्प्स इन ड्रॉइंग इमेजेस डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। मीन्स एचटीएमएल 5 का वह फीचर जो हेल्प करता है डायरेक्ट वेब पेज पर इमेजेस ड्रॉ करने के लिए, तो उस फीचर का नेम क्या है? तो इसका आंसर है कैनवास फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट्स इंक्लूड बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स। मीन्स एचटीएमएल के वे एलिमेंट्स जिनमें ऑन और ऑफ दोनों टैग होते हैं, वे किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं? तो इसका आंसर है कंटेनर एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट स्प्लिट्स द लाइन एंड डिस्प्लेस द टेक्स्ट ऑन अ न्यू लाइन। मीन्स वह एलिमेंट जो लाइन को स्प्लिट करता है और टेक्स्ट को न्यू लाइन पर डिस्प्ले करता है, तो उस एलिमेंट का नेम क्या है? तो इसका आंसर है लाइन ब्रेक। सी, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, एचटीएमएल 5 केम इन टू एग्जिस्टेंस अराउंड 2008। मीन्स एचटीएमएल 5 लगभग 2008 में एग्जिस्टेंस में आया, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैग्स एंड एट्रीब्यूट नेम्स आर केस सेंसिटिव। मीन्स टैग्स और एट्रीब्यूट के नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये फॉल्स है क्योंकि केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी डिफाइंस हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स लुक ऑन द वेब पेज। मीन्स प्रॉपर्टी यह डिफाइन करती है कि डिफरेंट एलिमेंट्स वेब पेज पर कैसे दिखेंगे, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द इनलाइन मेथड द इफेक्ट्स गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज। मीन्स इनलाइन मेथड का प्रयोग करने से जो इफेक्ट होता है वो वेब पेज के सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होता है, ये फॉल्स है क्योंकि इनलाइन मेथड का प्रयोग करने से इफेक्ट केवल उसी लाइन पर अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन एड एन इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ वेब पेज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर टैग। मीन्स आप एक वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं पिक्चर टैग के हेल्प से, तो ये फॉल्स है क्योंकि वेब पेज के बैकग्राउंड में पिक्चर ऐड करने के लिए यूज किया जाता है बॉडी टैग का, न कि पिक्चर टैग का। सी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, रश्मि वॉन्ट्स टू सेट द इमेज ऑफ अ जू एज द बैकग्राउंड ऑफ हर वेब पेज। मीन्स रश्मि अपने वेब पेज के बैकग्राउंड में एक जू की इमेज को सेट करना चाहती है, बट सी इज अनेबल टू डू इट। लेकिन वो इस कार्य को करने में अनेबल है। व्हिच टैग शुड सी यूज टू डू सो, गिव द सिंटैक्स। ओके, तो उसे इस कार्य को करने के लिए कौन से टैग का प्रयोग करना होगा, उसका सिंटैक्स लिखिए। आंसर, सी शुड यूज बॉडी टैग। ओके, उसे बॉडी टैग का प्रयोग करना चाहिए और उसका सिंटैक्स इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव वांट्स टू प्लेस द लोगो ऑफ हिज स्कूल ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वेब पेज। मीन्स राघव अपने स्कूल के लोगो को वेब पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर सेट करना चाहता है। हाउ कैन ही डू सो, तो इस कार्य को वो कैसे कर सकता है? गिव द सिंटैक्स, सिंटैक्स राइट करिए। आंसर देखिए सिंटैक्स, ओके, इस तरह से सिंटैक्स है। सी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, एचटीएमएल इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ। मीन्स एचटीएमएल किसका इम्प्रूव्ड वर्जन है? ऑप्शन ए एक्सएमएल, ऑप्शन बी एचजीएमएल, ऑप्शन सी एसएमएल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एचजीएमएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोआला इज अ, मीन्स फ्रोआला क्या है? ऑप्शन ए टेक्स्ट एडिटर, ऑप्शन बी वेब एडिटर, ऑप्शन सी वर्ड एडिटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वेब एडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टैग ड्रॉज अ हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द वेब पेज, मीन्स वह कौन सा टैग है जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन वेब पेज पर ड्रॉ करता है। ऑप्शन ए पी आर टैग, ऑप्शन बी एच आर टैग, ऑप्शन सी लाइन टैग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एच आर टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स वह कौन है जो सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लेआउट को डिफाइन करने के लिए। ऑप्शन ए सीएसएस, ऑप्शन बी डब्ल्यूएसएस, ऑप्शन सी टीएसएस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीएसएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू आर कलेक्टिवली नोन एज, मीन्स प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को कलेक्टिवली सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए सेलेक्टर, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी डिक्लेरेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिक्लेरेशन। सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एचटीएमएल, व्हाट आर द बेसिक टूल्स रिक्वायर्ड टू वर्क विद द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स, मीन्स एचटीएमएल क्या है और कौन से बेसिक टूल्स की जरूरत होती है एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के साथ वर्क करने के लिए। आंसर, HTML is the most widely used language to design web contents for the internet. Means HTML internet के लिए web contents design करने के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली language है. A HTML editor and a web browser is required to work with HTML documents. Means एक HTML editor और एक web browser की जरूरत होती है HTML document के साथ work करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, मीन्स टर्म टैग्स और एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल की सहायता से। आंसर, टैग्स, टैग्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेब पेज, मीन्स टैग्स एक वेब पेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। दे हैव एलिमेंट्स दैट डिफाइन हाउ द इंफॉर्मेशन ऑन अ वेब पेज इज फॉर्मेटेड और डिस्प्लेड, मीन्स उनके पास एलिमेंट्स होते हैं जो यह डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन वेब पेज पर किस तरह से फॉर्मेटेड होगी या डिस्प्लेड होगी। एग्जाम्पल, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, इटीसी। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स, एन एट्रीब्यूट इज द प्रॉपर्टी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एचटीएमएल एलिमेंट, मीन्स एक एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी होता है जो एक एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट इन्हेंसेज द फंक्शनैलिटी ऑफ अ टैग, और यह टैग के फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करता है, बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर कमेंट्स यूजफुल, मीन्स कमेंट्स कैसे यूजफुल होते हैं। राइट वन एग्जाम्पल टू ऐड कमेंट, और कमेंट ऐड करने के लिए एक एग्जाम्पल लिखिए। आंसर, कमेंट्स टैग्स आर यूजफुल इफ यू वॉन्ट टू पुट नोट्स इन टू योर एचटीएमएल कोड which will not show up on the stage, means comments useful तब होते हैं जब आप अपने HTML code में कुछ notes write करना चाहते हैं, और ये जो comment होते हैं ये आपके web page पर show नहीं होते हैं। Example, next question, what are cascading style sheets, means cascading style sheets क्या है। Name the different methods available for applying style rules in an HTML document, और एक HTML डॉक्यूमेंट में स्टाइल रूल्स को अप्लाई करने के लिए अवेलेबल डिफरेंट मेथड्स के नेम राइट करिए। आंसर, CSS इज अ स्टाइल शीट दैट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ स्टाइल रूल्स फॉर डिफाइनिंग द लेआउट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स, मीन्स CSS एक स्टाइल शीट है जो सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है HTML डॉक्यूमेंट के लेआउट को डिफाइन करने के लिए। There are three ways to include the style sheets, और style sheets को include करने के तीन तरीके हैं। First, inline method. Second, internal or embedded style sheets method. Third, external style sheet method. Next question, name any two text properties that can be applied in CSS, means किन्हीं दो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के नेम राइट करिए जिन्हें CSS में अप्लाई कर सकते हैं। गिव द सिंटैक्स, और सिंटैक्स भी राइट करिए। आंसर, टू टेक्स्ट प्रॉपर्टीज दैट कैन बी अप्लाइड इन CSS आर टेक्स्ट फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज, मींस दो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज जिन्हें हम CSS में अप्लाई कर सकते हैं वे हैं टेक्स्ट फॉन्ट एंड टेक्स्ट साइज।
सिंटैक्स देखिए इन दोनों के। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।